नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LI-11, जिसे हम कहते हैं कूलिंग पॉइंट। एल्बो की क्रीज पे यहाँ पे आपको 30 सेकेंड्स प्रेस करना है दिन में 3 बार। रात में जब बच्चा सो जाएगा 15 डेज ब्लू बिंदी, 15 डेज काला चना लगा लो या फिर चने की दाल का एक पीस लगा लो, और 15 डेज मेथी दाना लगाना है पेपर टेप से। थर्ड पॉइंट है वो है हमारा स्टमक 36 पॉइंट। सिंपल जो हमारी नी का पटेला है उसे 2 फिंगर्स नीचे, ठीक है, नी के पटेला से 2 फिंगर्स नीचे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं ये हमारा स्टमक 36 पॉइंट, जिसे हम कहते हैं एनर्जी बूस्टर पॉइंट। बहुत सारे ऑटिज़म के बच्चों के पेरेंट्स ये भी कई बार आजकल मेरे पास कंप्लेन कर रहे हैं। एक तो है टो वॉकिंग का कारण है एंग्जाइटी और हाइपर एक्टिविटी, और दूसरा जो कारण है दूसरा जो बहुत सारा कंप्लेन देखा जा रहा है बच्चों में वो ये है कि बच्चा चलना नहीं चाहता, गोदी गोदी करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स वो है हमारा हैप्पीनेस पॉइंट, लिवर का 3rd पॉइंट। ये हमारा बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जो फुट में होता है। बस थंब और ग्रेट टो और मिडिल टो के बीच में, ठीक है, 30 सेकेंड इसको प्रेस करना है दिन में 3 बार, और रात में आपको ब्लू बिंदी लगानी है 15 डेज के लिए, उसके बाद चने की दाल और उसके बाद लगाना है मेथी दाना। दो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है पेरिकार्डियम 8 पॉइंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स एंगल इरिटेबिलिटी और हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर को कम करेंगे, जिससे रिकवरी जल्दी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आई कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, जब उसे इरिटेशन नहीं होगी तो वो पूरा का पूरा ध्यान आपकी बातों में लगाएगा। तो ये पॉइंट्स ये देखो सर, ये देखिए ये हाथ की रेखाएं, ये वाली बड़ी वाली रेखा और ये इसके साथ में ये जो छोटी सी रेखा है, ठीक है, ये वाला यहाँ बीचों बीच ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। 30 सेकेंड्स इसको प्रेस करना है पेरिकार्डियम 8 को, 30 सेकेंड्स दिन में 3 बार प्रेस करना है, और रात में 15 डेज काम करने के लिए ब्लू बिंदी, 15 डेज के बाद काला चना और उसके बाद मेथी दाना। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हमारा फुट का पॉइंट है, जो इंस्टेंटली रिलीफ देता है हमें एंगर और एक्साइटेबिलिटी में, तो उस पॉइंट पे हम काम करेंगे। थंब के अंदर की तरफ ये पॉइंट है, 30 सेकेंड्स दबाना है दिन में 3 बार, उसके बाद रात में 15 डेज ब्लू बिंदी, 15 डेज चना दाल और 15 डेज मेथी दाना। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो एंगर इरिटेबिलिटी को कम करेंगे और ऑटिज़म और ADHD में मिराकुलस इम्प्रूवमेंट लाएंगे। सो होप यू लाइक माई वीडियो। इन 6 पॉइंट्स पे आप लोग ट्राई करिए और इन 6 पॉइंट्स पे काम करके इनडायरेक्टली आप ये देखेंगे कितनी जल्दी इसको प्रेस करने से 7 डेज में आपको आई कॉन्टैक्ट, फोकस, अटेंशन, बच्चा जो मूडी है, जो ज़िद्दी बच्चा है, कैसे वो बिहेवियरल उसमें चेंजेस आते हैं, और आप मुझे बताइए, ठीक है। एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से फ्रेंड्स कि जिन जिन लोगों को इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, ठीक है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो या तो कॉमेंट्स में बताते जाएँ लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मतलब एक्लेप्टिक अप्रोच में हम जाएँ ना करें, ऑटिज़म में क्या ट्रीटमेंट लें, गोल ओरिएंटेड करें, क्या होता है सच में, क्या टीवी उससे नुकसान होता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिन लोगों को रिकवरी आ रही है, ठीक है, तो वो लोग और दुनिया में जो लोग हैं उनका भला करें। उनका भला कैसे करें कि विश्वास जो है वो दिलाना पड़ता है, ठीक है। अगर एक में इम्प्रूवमेंट आएगी तो दूसरा बच्चा भी करेगा, दूसरा बच्चा करेगा, तीसरा करेगा, और इस तरीके से हमारा जो वर्ल्ड है वो ऑटिज़म से फ्री होगा, ठीक है। तो इस मैसेज को पहुंचाने के साथ साथ
जिन बच्चों के में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो मैं उन सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो मुझे, जिनकी कंसल्टेशंस चल रही हैं, उन लोगों से मैं एक छोटी सी वीडियो एक्सपेक्ट करती हूँ, भले एक लाइन दो लाइन की। कुछ ऐसी वीडियोस आप मुझे भेजिए जिसमें मुझे पेरेंट्स के मैसेजेस चाहिए, पेरेंट्स के मैसेजेस होने चाहिए, पेरेंट्स के व्यू होने चाहिए कि आप लोगों को इस थेरेपी से कितना आराम आया, आपके क्या कमेंट्स हैं, बाकी दूसरे पेरेंट्स की हेल्प के लिए। क्योंकि अभी भी मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, जब तक कोई पेरेंट ये खुद नहीं बोलता कि हाँ हमारा बच्चा ठीक हुआ है, तब तक जो दूसरा पेरेंट है उसको अंदर से नहीं लगता कि हमारा बच्चा ठीक हो सकता है। तो उस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी को बूस्ट करने के लिए, किसी भी पेरेंट्स के बच्चों में, जिन भी पेरेंट्स के बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो एक शॉर्ट सी वीडियो में, शॉर्ट सी ऑडियो में मैसेज मेरे साथ शेयर करेंगे। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।